हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। आज की वीडियो में आपको समझाएंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम, जिसको कि हम ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये होता इस वजह से है कि जो हमारा क्रोमोसोम 21 है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी डेवलप हो जाती है। इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ कि इसका जो फीचर क्या होता है, तो आपको पेशेंट के अंदर एलमंड शेप आइज़ देखने को मिलेगी, साथ ही जो फेशियल प्रोफाइल है वो आपको फ्लैट देखने को मिलेगी और जो नोज़ है वो स्मॉल आपको देखने को मिलती है ऐसे पेशेंट्स के अंदर। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स आपको क्या क्या दिखाई देंगे। दोस्तों, इसके अंदर इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिले आपको देखने को मिलता है, जो मसल टोन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिया। मोटर पावर जो होती है और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बिगड़ जाता है पेशेंट्स का, और जो चलने का तरीका होता है, गेट पैटर्न जो होता है, वॉकिंग होता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही इसके अंदर कुछ मेडिकल डिफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि हार्ट डिफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। डाउन सिंड्रोम का हर एक पेशेंट यूनिक होता है और उसके चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डाउन सिंड्रोम का पेशेंट होता है उसके अंदर मसल टोन सबसे ज़्यादा कम हो जाती है, हाइपोटोनिया हो जाता है, तो आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने में और आपकी ओवरऑल फिटनेस बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही आपका जो बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, वॉकिंग पैटर्न है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। जो आपका गेट पैटर्न है, आपका चलने का तरीका है, उस पेशेंट को इन्हेंस करता है फिजियोथेरेपिस्ट, ताकि उसकी जो मोबिलिटी है वो मेंटेन रहे और पेशेंट इंडिपेंडेंट अपना वर्क कर सके, जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है वो इंडिपेंडेंटली कर सके। साथ ही पेशेंट के जो मोटर पावर्स होते हैं, मोटर स्किल्स होते हैं, फाइन मूवमेंट्स जो होते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश आपका फिजियोथेरेपिस्ट करता है। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगा। डाउन सिंड्रोम के बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो उस आर्टिकल को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं उसे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।